हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आप सभी को जिस क्वेश्चन का इंतजार था वो इस बोर्ड पे दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, अगर आप लोग इससे पहले का जितना भी क्वेश्चन है सबका वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाइए, सारा का सारा वीडियो देख लीजिए, जो की आप लोग का एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और साथ ही साथ ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है तो फार्मूला तो हमेशा याद होना ही चाहिए। अगर फार्मूला याद नहीं होता है या फिर याद करने की कोई आसान ट्रिक नहीं है आपके पास, तो वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको मिल जाएगा। वीडियो का क्या बोलते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है सबका फॉर्मूला को मैंने बहुत ही अच्छे से समराइज किया हुआ है, तो आप एक बार उसको जरूर से जरूर चेक कर लें। तो इस क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिये यहाँ पे जो क्वेश्चन है कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिये ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये, तीन चीज को आपको प्रूव करना है, तो इसको आप दो केस में आपको सोल्व करना है। सबसे पहला केस में क्या करिए ना, वन प्लस टेन स्क्वायर ए जो है बाय में वन प्लस कोट स्क्वायर ए जो है उसको आप टेन स्क्वायर ए के बराबर प्रूव कर दीजिए, ठीक है। और दूसरा ये केस वन हो जाएगा आपका, ठीक है। और दूसरा केस टू में आप क्या प्रूव करिएगा, केस टू में आपको प्रूव करना है ये वाला को, ठीक है। वन माइनस टेन ए बाय में वन माइनस कोट ए और इस पूरे का स्क्वायर लिख के यहाँ पे टेन स्क्वायर ए आपको ले आना है, ठीक है। तो दोनों का दोनों केस हम लोग करने वाले हैं। तो सर चलिए सबसे पहले केस वन स्टार्ट करते हैं। वन प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, यहाँ से एल एच एस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। वन प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है आपका, वन प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाता है हम लोग का सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और वन प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है, ये होता है हम लोग का कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन बाय कोस स्क्वायर ए, ठीक है। और ये वन बाय साइन है, सॉरी वन बाय कोसेक स्क्वायर है, तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, ठीक है। सेक स्क्वायर ए को वन बाय कोस स्क्वायर ए लिख दिए, और ये वन बाय कोसेक स्क्वायर ए है उसको हम साइन स्क्वायर ए लिख दिए। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब यहां से ध्यान से देखिए आप, साइन स्क्वायर ए इंटू वन तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और बाय में क्या कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इंटू कोस सॉरी साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए होता है, जो कि आपका आरएचएस में है, ठीक है। तो ये पहला केस तो आपका प्रूफ हो गया, इसको इक्वेशन वन भी बोल देंगे हम लोग, ठीक है। आप केस टू पे आइए, केस टू में आपका क्या दिया हुआ है ध्यान से देखेंगे, वन माइनस टेन स्क्वायर ए फिर वन प्लस कोट ए, ठीक है। तो इसको आपको एलएचएस लेके सॉल्व करना है, एलएचएस ले लीजिए, क्या हो जाएगा, वन माइनस टेन ए है, टेन ए को हम क्या करें साइन ए बाय कोस ए लिख देते हैं, ठीक है। साइन ए बाय या फिर इसको हम टेन ए ही रहने देते हैं, साइन ए बाय कोस ए करके बनवाया ही जाता है आपके स्कूल में, टीचर साइन ए बाय कोस ए लेके बनवाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे दूसरे तरीके से आपको बता देता हूँ जो कि आप लोग को ईजी लगेगा, टेन ए को टेन ए रहने दीजिए। दूसरा क्या, वन है तो वन माइनस ये कोट ए को वन बाय टेन ए लिख सकते हैं हम लोग, पूरे का स्क्वायर है रहने दीजिए। फिर क्या हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, क्या हो जाएगा, वन माइनस टेन ए है रहने दीजिए, बाय में यहाँ का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा टेन ए एलसीएम, ठीक है। टेन ए इंटू वन तो टेन ए हो गया, फिर माइनस में वन हो गया, फिर पूरे का स्क्वायर हो गया। अब एक काम करिए, ऊपर वाला से आप माइनस कॉमन ले लीजिए या फिर ऐसे एज इट इज रहने दीजिए, वन माइनस टेन ए लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो सबसे नीचे रहता है ये सबसे ऊपर चला जाता है, ठीक है। और यहाँ जो बाय में है टेन ए माइनस वन रहने दीजिए। अब एक काम करिए, आप ऊपर वाले से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस जैसे हम कॉमन लेते हैं जो माइनस वाला नंबर है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस वाला नंबर है वो माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन ए आपका प्लस में और वन आपका माइनस में, ठीक है। इनटू में क्या है टेन ए है लिखिए, और बाय में जो है उसको भी लिख दीजिए टेन ए माइनस वन, ये पूरे का क्या है स्क्वायर है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग इधर आगे बना लेते हैं, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, ठीक है। ये देखिए टेन ए माइनस वन, टेन ए माइनस वन कट गया तो क्या बच गया भाई टेन ए, क्या बच गया टेन ए, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो माइनस में टेन स्क्वायर का सॉरी माइनस में टेन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा टेन स्क्वायर ए आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ भी आर एच एस है, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन टू बोलेंगे। तो अब हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड
ऑल आर प्रूव्ड, ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल एंड हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों का ये क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व हो गया। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर जरूर कर दे, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन तो प्रेस कर ही लें, जिससे कि आप लोग का लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले आ जाए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Click the show link and subscribe the channel and press bell icon for latest videos.